हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए अपने चैनल पर यूपी टेट के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। जैसा कि हम लोगों ने घटना चक्र की बुक के 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आए, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ लगातार यूपी टेट के एग्जाम तक मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करने ही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल पर जो आपको मैथ्स से रिलेटेड फॉर्मूले वाला एक वीडियो मिलता है, अगर आप उसको साथ में देखते हुए चल रहे हैं, तो इन सभी प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक सम बहुभुज है जिसकी 8 भुजाएं हैं, तो भुजाओं के अंतः कोणों का योग बताइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप सेकंड में कर दोगे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अंतः कोणों का जो योग होता है बहुभुज के, वो n-2 × n-2 × 180 होता है। ये मैंने बताया आपको, पहले भी बता चुका हूं। सारे के सारे फॉर्मूले मैंने बहुभुज के आज आपको कराए थे। तो यहाँ पे भुजा n की वैल्यू कितनी दी गई, 8 दी गई है। तो 8 - 2 यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 18 × 6 = 108 होता है। तो 108 और 1 0 लग जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अगर इसको फॉर्मूले को नहीं आपको जानकारी है, फॉर्मूले की जानकारी नहीं है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, फिर इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूं कि यह कथन किसका है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है। तो यह कथन दोस्तों जो है मेकन तथा रॉबर्ट्स का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही दिया गया है, इसको मैं ऐसे लिखा रहता हूँ। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का रेशियो 7:8 दिया है, उनका अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। 2:7:8 है, तो आप मान लो एक 7 है एक्स है, एक 8x है, तो इनका डिफरेंस देखो कितना हुआ, 8x से 7x जाएगा तो एक्स आएगा। डिफरेंस आपका मतलब अंतर जो हुआ एक्स हुआ, क्वेश्चन में 15 दिया है, एक्स बराबर 15 दिया है। पूछा है कि बताइए इनका योग क्या होगा, तो 7x और 8x का योग कितना होता है, 15x होता है। x की जगह क्या पुट कर दो, 15 कर दो, तो 15 × 15 करने पर क्या आता है, 225 आता है। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये भी आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, बॉड मास पे अगला क्वेश्चन आपका आधारित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 42 दिया गया है, मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 7 दिया गया, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए, माइनस का 15 प्लस का, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का 4 ऐसे लिखिए। इस 7 से इसको कट करिए, 24 आ जाए, सॉरी 6 आ जाएगा, तो 6 × 24 - 15। अब क्या करिए, प्लस का 5 प्लस का 4 ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता है कि 6 × 24 और 6 × 12 मतलब 144 आ जाएगा। कैसे, आपको पता ही होगा। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको आगे 9 आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 144 में जैसे ही 9 जोड़ोगे तो आपको आगे इसमें 6 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, बचेगा 3, तो हो जाएगा आपका 153। 153 से 5 को सबट्रैक्ट करिए, 13 से 5 = 8 आ जाएगा, 4 से 1 = 3 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 138 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 भी आपका जो है पेडागॉजी का एक क्वेश्चन है कि गणित में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यही जो होता है निदात्मक परीक्षण का एक उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में उसने एक जो है छुपी हुई पहेली दे दी है, मतलब एक पजल टाइप की बना दी है कि 9 × 7 और प्लस का 5 उसने किया है। तो उसने देखिए क्या किया है कि 7, 9 और 5,
ये लास्ट वाला नंबर तो उसने लास्ट में ही पहुंचा दिया, बस इन दोनों को क्या किया है, क्रम चेंज कर दिया है। और ऐसा ही दोस्तों उसने सब में किया है। तो आपसे डायरेक्ट जो पूछा है आप उसको उठाइए, 4 × 6 + 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 और 4 का ये स्थान बदल देना है, 7 लास्ट में रख देना है। तो बस इस राइट आंसर क्या आ जाएगा, 647 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप समझ गए 96 क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए इसी के नीचे 97 बता देता हूँ। 97 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5:30 AM पर, मतलब सुबह 5:30 पर से लेकर के 6:10 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बताइए। बड़ा इजी है, देखिए यहां से पहले 6 बजाइए, 6 बजाओगे तो 30 मिनट हमारे पास हो गए, 30 मिनट आपने कलेक्ट कर लिए। 6 से डायरेक्ट 6 बजाइए शाम के, तो 12 घंटे हो गए आपके पास, 12 आवर हो गए। 10 मिनट और एक्स्ट्रा है तो 10 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, तो 40 मिनट हो जाएगा, तो 12 घंटे 40 मिनट आपका समय हो जाएगा पूरा। तो राइट आंसर कितना आएगा, 12 घंटा 40 मिनट, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि 5 और 10 का तृतीय अनुपात बताइए। देखिए तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो आप सभी को पता है कि उसमें 2 नंबर दे देता है और तीसरा पूछता है। तो इसका मान लेते हैं तृतीय अनुपात एक्स है जैसे, तो इसको कैसे निकालते हैं, 5:10 और यहाँ पे समानुपाती का साइन 10:, ये जो आपका तृतीय अनुपाती एक्स हो जाएगा, यही होता है, इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करते हो, 5/10 = 10/x, तो यहाँ से जाता है इधर 5x होता है और यहाँ पे 10 10 का 100 हो जाता है। तो x बराबर देखिए 5 × 10 = 20, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो सीधे सीधे इसका जो फॉर्मूला तृतीय अनुपात का बनता है वो ये बनता है कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे b और b का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b² / a, ये जो होता है तृतीय अनुपात का, जो होता है जो तृतीय अनुपाती होता है उसका फॉर्मूला बनता है। कभी भी आपको पूछा जाए तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b² / a। अब डायरेक्ट देखो आपसे पूछा है 5 और 10 का तृतीय अनुपाती, तो ये ए है ये बी है, बी की जगह 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 कर दोगे, ए की जगह 5 कर दोगे तो देखो 20 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ये इसका तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 आपको दिया है कि यदि रेखा सी डी जो पैरेलल है वो क्यूपी के है तो वाई का मान बताना है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको बता देनी है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों एक लाइन पे बना एंगल 180 का होता है, जो ऋजु कोण जिसको बोलते हैं, पूरा 180 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यही कर देता हूँ कि 110 + x = 180 होगा यहाँ से इस से। तो आप क्या करोगे कि x की वैल्यू देखोगे तो 180 - 110 हो जाएगा, तो ये 70 आ जाएगा x, तो यहाँ भी तो x आपका 70 हो जाएगा क्योंकि वही चीज़ है। तो यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी कि y + 70 = 180, ठीक है। तो y बराबर ही निकालना है आपको, 180 - 70 = 110, तो राइट आंसर क्या हुआ, 110 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगा सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि उसे 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, सॉरी प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो भी कहा करे कि बेचने पर इतने का लाभ और इतनी की हानि होती है, अगर लाभ कहे तो 100 के ऊपर करके जो रुपए दे उसके बराबर कर दे। जैसे उसने कहा है कि 20% का लाभ हुआ है, ये आपसे कंडीशन में बात बोली, तो दो चीजें देखो, 20% का लाभ हुआ है का मतलब क्या है, 120 उसने विक्रय मूल्य दिया है, 120%, ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और एक इनडायरेक्टली 480 रुपये दे दिया है, ये प्रतिशत में दिया है, ये पैसे रुपए में दिया है, दिए दोनों क्या है, विक्रय मूल्य ही है। तो सीधे सीधे बात यह है कि 120 की वैल्यू जो है वो 480 के बराबर है। तो यहां से एक की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे ये 0 0 कट जाएगा 4, एक की वैल्यू 4 है और सीपी हम हमेशा 100 मानते हैं, एक की वैल्यू अगर 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो इसका मतलब हमारा सीपी कितना निकला, क्रय मूल्य हमारा कितना निकला, 400 रुपये। उसने कहा है कि वस्तु को 15% की हानि पर बेचते हैं तो बताइए प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था।
₹400 वाली चीज को अगर 15% की हानि पे बेचते हो तो इसका 15% निकालो, 15% निकालने के लिए क्या करोगे, आपका ₹60 निकलेगा। तो ₹60 की अगर उसको हानि हो रही है, तो ₹400 में अगर ₹60 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब उसने ₹340 की बेची होगी, तो यही तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 340 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा राम की आय पूजा की आय के से 20% अधिक है। ये वाले क्वेश्चन तो अब आपको आदत पड़ गई होगी, मैंने बता ही दिया है कि 20% का मतलब दोस्तों 1/5 होता है। ये राम है और कौन है, एक एक है पूजा। तो उसने कहा है कि राम की आय पूजा की आय से 20% अधिक है। देखिए पूजा की आय से अधिक है तो नीचे वाले की पूजा की आय से कह रहा है, इसको 5 मान लीजिए, राम की उससे क्या होगा, 1 ज्यादा होगा तो 6 हो गया। अब पूछा है बताइए पूजा की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखो कितना कम है, 1 कम है, किससे, राम से, तो 1/6। अब प्रतिशत बनाइए, मैंने आपको बताया है कि 1/6 अगर आपको फ्रैक्शन में दे तो उसका प्रतिशत में मान डायरेक्ट क्या होता है, 16/2/3%। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 100 से भाग करिए, मतलब 100 से सॉरी मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता है 16 छक्का 96, 16 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 6, फिर 1 बार और कटेगा, 3 आएगा, तब भी तो आएगा 16/2/3% ही आएगा। बट आपको 1/6 की डायरेक्ट जो है प्रतिशत वैल्यू पता होनी चाहिए कि 16/2/3% होती है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 102 दिया गया है, ये दिया गया है कि आपके सामने जो है कि 7/4 की पावर 3, 4/3 की पावर 3, 3/7 की पावर 3। तो आप देख रहे हो सबकी जो पावर है वो एक जैसी है, बेस अलग अलग हैं, बट मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी की पावर एक जैसी बना देंगे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप देखो कुछ कट रहा होगा काट दीजिए, ये 4 से 4 कट रहा है, ये 7 से 7 कट रहा है, ये 3 से 3 कट रहा है, तो अंदर कितना बचा, 1 बचा, 1 की पावर 3 होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन किस में दिया गया है, डी में दिया गया है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, कह रहे हैं दिए गए ग्राफ में विभिन्न मदों में खर्च को प्रतिशत में दर्शाया गया है, तो आपको बताना है कि कपड़े के खर्च का केंद्रीय कोण क्या है। देखिए पूरा जो एंगल होता है 360 का होता है, कपड़े वाला 10% है, तो बस 360 का 10% निकालना है। आपको पता है 10% का मतलब 1/10 होता है, तो ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 मीटर प्रति स्क्वायर है और इसका आयतन जो है 8400 m³ है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था, जो ये मैंने अभी आपको वो फॉर्मूले वाला वीडियो दिया था, और कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि ये आपका बेलन होता है। बेलन के लिए आपको पाई आर वाली वृत्त वाला ट्रिक अपनानी है, कि जो वृत्त होता है दोस्तों उसके अगर हम लोग क्या करते हैं, एरिया में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें हम एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बेलन का क्या निकल के आता है, आयतन निकल के आता है, ओके। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, अगर हमको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है, तो जो आपका वृत्त होता है उसकी परिधि कितनी होती है, 2πr, उसमें क्या करते हैं, 2πr में हम लोग हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकल के आता है। बस आपको इन्हीं दो से मतलब है, क्वेश्चन में कहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 मीटर है, मतलब इतने की वैल्यू 300 मीटर दी गई है, ये 300 मीटर दी गई है। इसके अलावा क्या किया है, इसके अलावा कह रहा है कि जो आयतन दिया गया है दोस्तों वो आपका 8400 m³ है, तो आयतन आपका 8400 m³ है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए आप देख रहे हो पाई आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है और एच एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस एच को हटाने के लिए क्या करो, इन दोनों को ऐसे भाग कर दो एक दूसरे से। अगर भाग आप कर देते हो तो ये जो बन जाता है, आप देखोगे कि ये वाला पाई कट जाएगा, ये वाला एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और इस दो से अब कितना बचा आपका,
आपका बचा केवल आर बाई टू और यहां बचा 8400/300, यही बच गया। तो ये दो जीरो दी जोड़ी कट गए, तीन से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा कितना, 2 3 8 24। तो यहाँ पे आर बराबर इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, तो ये आपका आर आ गया 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आएगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया था। तो 56 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। एक समांतर श्रेणी दी गई है 7, जिसको लिख लेता हूं मैं, 7 9 11 13 15 और डैश डैश डैश, इसका 13वां पद बताना है, 3 18 बताना, 3 13 बताना है सॉरी। तो आपने बड़े छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है, वो होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ये तो पढ़ा ही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये आपको निकालना है एन की जगह, मतलब T13 आपको ऑलरेडी निकालना है। ए जो होता है वो पहला पद होता है ये, तो ये हो गया। एन की जगह बोल दिया उसने 13, तो 13 माइनस 1। डी कैसे निकालते हो, इसमें से ये घटा दो, 9 में से 7 घटा दो, या यही घटा दो, या यही घटा दो, लास्ट बाद वाले से पहला वाला घटा दो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, उसी को बोलते हैं सर्वांतर डी। तो देख रहे हो 2 का है, बस सॉल्व कर लीजिए। 7 प्लस का यहाँ 12 दुनी 24 हो जाएगा, 24 और 7 31 होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 31 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला है कि यदि 7 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में 10 13 18 21 12 19 27 है, तो उनकी माध्यिका बताइए। ठीक है, माध्यिका के लिए सम विषम के लिए मैं कोई रूल नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि माध्यिका के लिए सबसे पहले आप क्या किया करो, इनका आरोही क्रम लिखा करो, मतलब छोटे से बड़ा लिख लो। तो सबसे पहला नंबर देखिए 10 आएगा, उसके बाद फिर 13 आएगा, फिर सॉरी 13 के पहले 12 भी दिया है, 12 आएगा, 13 आएगा, फिर आपका 18 आएगा, फिर आपका 19 आएगा, फिर आपका 21 आएगा, फिर 27 आएगा। ये आरोही क्रम में लिख लिया। अब आप देखो कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, तो आप देख रहे हो 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, विषम है। तो 7 में क्या करो, 3 इधर की हटा दो 3 इधर की हटा दो, क्या बचा, बीच में बटा 18, बस यही आपकी माध्यिका हो गई। यही क्या हो गई, यही आपकी माध्यिका हो गई, 18 राइट आंसर हो जाएगा। बाई चांस अगर इसमें क्या होता कि अगर इसमें एक नंबर कम होता, तब आप क्या करते, तब आप देखते कि 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप क्या करते भाई, 2 इधर के हटा देते, 2 इधर के हटा देते, बचता बीच में 13 और 18। तो 13 और 18 को जोड़ देते और 2 से भाग कर देते, तो जो निकल के आता वो माध्यिका हो जाती। तो जब ऐसा कुछ हो आपका, तो आपको क्या करना है, किनारे से बराबर बराबर हटाने हैं, जो बच जाए वही माध्यिका होगी। अगर सिंगल बच रहा है तो वही माध्यिका होगी, अगर सिंगल नहीं बच रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वही माध्यिका हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समीकरण 2x² + kx = 12, एक समीकरण दिया है कि 2x² + kx + 12 = 0, और एक और समीकरण दिया है, इसको यहां पे लिख लेता हूं कि 3x² - 6x + 17 = 0। ये 2 समीकरण दिए गए हैं, ये हैं आपके द्विघात समीकरण। तो कह रहा है मूलों का योग एक समान है तो के का मान बताइए। देखिए अब आपको सबसे पहली बात तो यही पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण जो होती है उसके 2 मूल होते हैं, एक अल्फा मानते हैं एक बीटा मानते हैं। और जब मूलों का योग जो होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो माइनस का बी अपॉन का ए होता है। यहाँ पे ये बी होता है, ये ए होता है, ये सी होता है लास्ट वाला। तो मूलों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे बात करी जा रही है मूलों का योग, मतलब इस वाली समीकरण का और इस वाली समीकरण का, दोनों का जो मूलों का योग होगा आपस में बराबर है। तो अगर यहां से हम मूलों का योग निकाले तो देखोगे बी की जगह के है, तो माइनस का के, ए की जगह 2 है, तो बाई 2 हो जाएगा बराबर। इसका मूल, इसका मूल देखो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6,
और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे इस 3 से तो मैं इसको कट करूंगा, 2 आएगा, तो मैं कहूंगा कर लो भाई, 2 दूनी 4 करोगे आप, कहोगे के थोड़ी माइनस में होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, राइट आंसर दोस्तों 4, वो भी माइनस में, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जैसे कोई आयताकार खेत है, तो ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो जो लंबाई दी गई है वो दोस्तों 300 मीटर दी गई है, इसके अलावा जो चौड़ाई दी गई है 256 मीटर दी गई है। कह रहा है खेत के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने बता दिया कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बना दिया। तो हमने कहा ठीक भाई बना दो, क्या करें हम। तो आपने जब बना दिया तो उसने कहा है कि इस रास्ते, जो रास्ता बनाया है उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो बड़ा आसान है, अगर हमको इसका क्षेत्रफल पता चल जाए और इस पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाए, तो इस पूरे वाले क्षेत्रफल में इस अंदर वाले क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है। देखिए आप देखिए कि अगर यहाँ पे ये 2 मीटर रास्ता चौड़ा हुआ, ये 2 मीटर रास्ता चौड़ा हुआ, तो ये जो पूरी लंबाई होगी, अब 300 तो रही नहीं होगी, 300 से 304 हो गई होगी, है ना भाई, 304 हो गई होगी। कितना बढ़ा रहा है, 2 मीटर यहाँ बढ़ा रहा है, तो 304 हो गई होगी। इसके अलावा ये चौड़ाई भी देखिए, 2 मीटर इधर बढ़ी होगी, 2 मीटर इधर बढ़ी होगी, तो ये पूरी चौड़ाई जो होगी वो भी 4 बढ़ गई होगी, तो वो आपका 256 की जगह 230 हो गई होगी। बात को समझे, तो ये जो पूरा आयत हो जाएगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 304 मल्टीप्लाई 230 हो जाएगा, 304 मल्टीप्लाई 230 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 230 मैंने बोल दिया क्या, 230 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 260 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा भाई, 56 में 4 जोड़ेंगे ना। और जो अंदर वाला होगा वो दोस्तों 300 और मल्टीप्लाई 256 ही होगा, ये होगा। अब इसमें बड़े वाले से छोटे वाला घटाना है। अब आपको क्या करना है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम इसको 300 और +4 मान लेते हैं, तब आसान हो जाएगा कि भाई इसमें 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18 और 3 2 6 1 7। तो आप देखोगे ये 3 0 इसमें लगे हैं, इसमें 1 0 लगा है, 2 0 इसमें लगे हैं, 1 0 इसमें, 3 0 ये आ जाएंगे। अब 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 0 4 6 24 4 2 8 2 10, तो ये पूरा पूरा कितना आया, 0 4 0 9 7, ये इतना आ गया। अब इधर वाला देख लो, इधर वाला तो ऑलरेडी वही चीज लिखी है, कितना होगा, 3 6 18 और 3 5 15 1 16 और 3 2 6 1 7, तो ये आ गया आपका, और 2 0 लगा लीजिए, तो यहाँ पे 2 0 लगा लीजिए। बस आपको घटाना है, तो यहाँ से क्या करिए, इसको घटा दीजिए, देखोगे 0 4 और यहाँ पे 0 है ना, तो इसको कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 10 से 8 2, यहाँ पे 8 से 6 2, बस इतना ही आ जाएगा, 2 2 4 0, मतलब 2240 मीटर स्क्वायर जो होगा इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसका क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, और एम एन ओ क्रमशः पी क्यू आर क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हों, तो एम एन ओ का क्षेत्रफल बताइए। तो ये देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है, इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है और इस पूरे का दिया गया है। तो ऐसा करने के लिए क्या किया करिए, ये जो पूरे वाले ट्राइंगल का आपको एरिया दिया गया है उसमें 4 से भाग कर दिया करिए, किससे, 4 से बस भाग कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स और वायु घर एक ही स्थान पर है, वे विद्यालय जाने में क्रमशः 5 घंटे एवं 6 घंटे लेते हैं। कहते हैं एक्स और वाई के चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए जो चाल होती है वो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप देख रहे हो चाल जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब चाल और समय का रेशियो आपस में विपरीत होगा।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे समय का रेशियो आपको 5:6 दिया गया है, तो जो चाल का रेशियो होगा वो 1/5 और 1/6 होगा। आप क्या करो, इन दोनों के एलसीएम से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या करो, 30 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6:5, जो आपको किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। समझ गया बात को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का तीसरा कोण 35 अंश हो तो त्रिभुज के शेष दो कोणों के मान बताइए। देखिए, जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो आमने सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो एंगल भी उसमें बराबर होते हैं, और तीनों एंगल का ऐड कितना होता है, तीनों एंगल का ऐड होता है 180। तो दो बराबर वाले एक्स मान लेते हैं प्लस का 180 के बराबर होता है। पूछा देखिए क्या है, तीसरा कोण आपको 35 अंश दिया है ऑलरेडी, बस आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस का 35, तो आप देखोगे 10 से 5 तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 7 से 3 4 होगा। 145 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 2 सते 14, यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4, बचेगा 1 दशमलव लगाओगे 2 पंचे 10, तो एक्स बराबर आ जाएगा 72.5 डिग्री। जो आपका सामान्य एंगल होंगे, जो बराबर वाले एंगल होंगे वो कितने के होंगे, तो वो दोस्तों होंगे आपके समान वाले 72.5 के। तो राइट आंसर किसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसने कहा पी प्लस क्यू की वैल्यू 13 दी गई है। पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 13 दी है। इसके अलावा उसने जो है 2PQ की वैल्यू दे दी है, 2PQ की वैल्यू दे दी है 69। आपसे पूछा है कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर का आपको फॉर्मूला बताना है, सॉरी वर्गमूल बताना है, ये चीज बतानी है। तो आपको सभी को पता है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हुआ होगा तभी तो ये आया होगा, और प्लस का 2PQ आया होगा, तो यहाँ पे बस माइनस का 2PQ कर दो, इसकी जगह पूरा यही लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप देखोगे इसकी जगह क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और 2 इस पूरे की जगह क्या है, 69 है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा, 169 माइनस का 69, तो यहाँ पे आएगा 100 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों 10, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब आइए अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस का 8x² प्लस का 16x प्लस का 10, कह रहा है इसको x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी दें तो x-2 से भाग दे रहा है ना, तो x-2 को 0 के बराबर रखो, x बराबर कितना आ जाएगा, 2, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो 2, x की जगह जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा, वही शेषफल होगा। तो यहाँ 2 रखोगे 8 आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे यहाँ भी 32 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो आप देखोगे 32 8 40, और ये हो जाएगा 42, आपस में जोड़ोगे हो जाएगा 82। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 82, जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, शेषफल हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देख लीजिए, कह रहा है कि पंचपदी पाठ योजना का अंतिम पद क्या है। देखिए दोस्तों, पंचपदी पाठ योजना का अंतिम पद जो होता है वो प्रयोग होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेन थर्टी की वैल्यू दी गई है √3, टेन थर्टी की वैल्यू दी गई है √3। ओके, आपसे पूछा क्या है कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और मल्टीप्लाई आपको बताना है यहाँ पे कॉट थीटा, ये चीज देखिए, टेन थीटा की वैल्यू जो √3 दी गई है, √3 जो वैल्यू होती है टेन में, वो 10/60 की होती है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर 10/60 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू आ गई 60, अब यहाँ पे पुट कर दो, साइन 60 प्लस का कॉस 60, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट 60, ऐसे 60 लिख रहा हूँ। देखो
कॉट 60 जो होगा वो टेन 60 का उल्टा होगा, और ये टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो इसका मतलब कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू दोस्तों √3/2 होती है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पे देखो हर एक जैसा है, तो √3+1 हो जाएगा और नीचे 2 आएगा, और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, √3+1/2√3। तो ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ए रेशियो बी जो दिया गया है वो 2:3 दिया गया है, और यहाँ पे देखिए बी रेशियो सी आपको जो दिया गया है 5:4 दिया गया है। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया है, तो आप देखो कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन बी है, तो दोनों जगह हम बी को क्या कर ले, बराबर कर ले। तो इस 3 को और इस 4 को बराबर करने के लिए इसको भी 12 बना दे, इसको भी 12 बना दे, तो इसको 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करें, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आएगा 4 × 2 = 8, तो ए की जगह 8 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, यहाँ भी 4 × 3 = 12, तो बी की जगह 12 हो जाएगा, और सी की जगह 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आपकी 8:12:15 हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि पिंकी इस समय रानी से 12 वर्ष छोटी है। देखिए ये है पिंकी जी, ये है रानी जी, पिंकी क्या है, रानी से 12 वर्ष छोटी है। अगर रानी एक्स है तो पिंकी हमारी x-12 हो जाएंगी। फिर कहते हैं 4 वर्ष बाद रानी की आयु उस समय पिंकी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिंकी की वर्तमान आयु कितनी है 4 वर्ष बाद, देखिए इसमें 4 जोड़ोगे तो -12 में +4 करोगे तो -8 होगा, ये x+4 ही हो जाएगा। उसने कहा है कि रानी की आयु उस समय पिंकी की आयु की 2 गुनी है, पिंकी की आयु की 2 गुनी है, तो जैसे हम बराबर कर दें, तो देखो रानी की तो ऑलरेडी पिंकी की आयु की 2 गुनी है, तो हमको बराबर करना है तो हम पिंकी की आयु की 2 गुना कर देंगे। इसकी तो ऑलरेडी 2 गुनी है ना पिंकी की आयु की, हमको क्या करना है, समीकरण बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे पिंकी की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एक्स की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो 2x-16 = x+4, ये एक्स उठा के इधर लाओगे तो 2x-x, ये 4 16 इधर लाओगे तो 20, ये घटाओगे तो x=20। अब आपसे क्या पूछा है, कह रहा बताओ भाई पिंकी की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु इतनी थी, एक्स की जगह 20 रखोगे, 20 से 12 घटाओगे तो 8 वर्ष। पिंकी कितनी है इस समय, पिंकी है 8 वर्ष की, तो बात समझ गए, पिंकी 8 वर्ष की है, तो रानी 8 वर्ष उससे 12 वर्ष ज़्यादा हो जाएंगी, तो 20 साल की हो जाएंगी। पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पिंकी पूछा है, तो पिंकी का राइट आंसर 8 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है वो आपका प्रायिकता से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि सिलेबस में आपको दिया गया है। करें कि एक बैग में 5 लाल तथा 3 काली गेंदे हैं, यादृच्छता एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। 5 लाल गेंदे हैं, 3 काली गेंदे हैं, तो इसको कैसे आप करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले कुल गेंद देखिए, कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदे जो हैं वो आपकी 5+3 है, काली कितनी है 3 है, हमको काली ही निकालनी है, तो काली गेंदों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 3 हो जाएंगी। और देखिए एक काली गेंद अगर आपको चुननी है, 3 में से 1 चुननी है, तो 1 तो ये लगेगा 3C1, इसके अलावा 8 में भी से तो 1 चुननी होगी, तो यहाँ पे लगेगा 8C1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो तो इसको लिखते हो आप 3×3-1, ये और बटे में 8×8-1, इतना बात समझे, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3×2, ये 2 हो जाएगा यहाँ से, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7×, और नीचे ये 8×। अब देखो फैक्टोरियल को चेंज कैसे करते हैं, एक तक ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके,
तो 3 × 2 × 1 कर लो, 7 को 7 ही फैक्टोरियल रहने दो, क्यों इसको चेंज कर लो, क्योंकि हम नीचे 8 वाले को 7 तक ले जाएंगे, यहाँ 7 फैक्टोरियल बना देंगे। अब इस 7 फैक्टोरियल, इस 7 फैक्टोरियल कट कर दो, तो यहाँ देखो 2 से कट करो 4 आएगा, यहाँ आया 4 × 2 = 8, ऊपर बचा 3, तो राइट आंसर कितना आया 3/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/8। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, वो बार वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसने कहा है कि 0.897, 0.897, और यहाँ ऐसे वैल्यू आपको बार लगाया है 9 और 7 पर, ये x के बराबर दिया है, तो इसको सॉल्व करने को बोला है। देखिए क्या करते हैं कि पूरी संख्या में जब कोई छूटा होता है तो पूरी संख्या लिखते हैं और उसमें वो नंबर घटा देते हैं, बाकी जितने नंबर के ऊपर ये बार लगा होता है उतने 9 लिखते हैं और जितनी संख्या बची होती है उतनी 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 17 से 8 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, और नीचे आएगा 990। आई थिंक यही आपको एक आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हो गए 30 क्वेश्चन आपके, हो गया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हमने अपने चैनल पर आपको घटना चक्र से संबंधित 4 प्रैक्टिस सेट दोस्तों करा दिए। देखिए अभी हमारे 18 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो एक कम छोड़ करके मैं 17 दिन लेकर चल रहा हूँ, तो 17 दिन का मतलब 17 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 17 प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग करेंगे, 17 × 34 = 57, लगभग 510 क्वेश्चन अभी हम अपने चैनल पर करेंगे मैथ से रिलेटेड। तो अभी तो इसके ही 4 सेट बचे हुए हैं, 4 सेट हम क्या करेंगे, अभी इसके 4 ही हुए हैं, इसके 6 सेट बचे हुए हैं, तो 6 सेट हम लोग दोस्तों इसके घटना चक्र के करेंगे। और मैंने कहा 17 सेट आपको कराऊंगा, बाकी के जो 11 सेट कराऊंगा मैं अदर, 5 सेट आपको मैं कराऊंगा यूथ कंपटीशन की बुक के, उसके बाद जो आपके 6 प्रैक्टिस सेट होंगे फिर मैं आपके लिए कोई बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बुक से। तो अभी हम 17 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं अपने चैनल पर मैथ से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ जो है केवल प्रैक्टिस सेट करके ही आसानी से कवर हो जाए, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप क्या करिए, हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। मैथ्स की वीडियो जैसे ही हमारे चैनल पे आती है सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं, और उस PDF में आपको आंसर की दी होती है। आप खुद से पहले अपने क्वेश्चन को किया करिए, देखा करिए कितने क्वेश्चन आपने लगा लिए है, उसके बाद एक बार वीडियो पूरा देख लिया करिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से कहूँगा लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको हेल्प मिले मैथ से रिलेटेड। मैं अपना 100% दोस्तों देता हूँ, 40 मिनट में मैं आपको कंप्लीट 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ, और कंप्लीट आपकी मैथ्स रिवीजन हो जाती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखा होगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में, जिससे आपकी मैथ्स रिवीजन हो रही है। आज हमारा 4वां प्रैक्टिस सेट है, 4था प्रैक्टिस है, तो इसमें देखिए 120 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं मैथ्स के, और साथ में हम लोग 4 दिन से लगातार फॉर्मूले वाला वीडियोस भी आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें लगभग 40 फॉर्मूले भी हम आपको बता चुके हैं। तो इससे ज़्यादा फिर UP TET में आपकी हेल्प हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, करने को बहुत कर सकते हैं आप जितना समय हम कर रहे हैं आपके लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद।